ये देखो हनुमान जी का नाम लिया तो यहाँ पे इतना भगवान जी कपड़ा है भाई इसमें सीताराम। हाँ प्यारे में भोजन जो है बच्चों के द्वारा तैयार होता है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मेरे अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। स्वागत करता हूँ आज की एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। आज है श्री राम जानकी मंदिर पर भंडारा। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ सवा महीने का रामचरित मानस पाठ होता है, जो कि दिन और रात दोनों मिला कर। तो आज है वहाँ पर पूर्णाहुति और आज होगा वहाँ पर भंडारा। हम भी सुबह उठ ही गए। ये देखो सुबह, ठंडक काफ़ी ज़्यादा है, मौसम भी आज लग रहा खुलने वाला है। ये भी बंद कर दे क्योंकि घर पे अंदर भाई हैं, हल्का सा खुला रहेगा, ठीक रहे। भी चल रहा हूँ आज वहाँ पे सम्मिलित होने भंडारा में, मंदिर में भंडारा किस तरह से होता है और वहाँ पे लोग कौन कौन से लोग आते हैं। और इस बार जो बहुत ही भव्य भंडारा वहाँ पर होने वाला है, वहाँ पे साधु संत महात्मा बहुत अच्छे अच्छे बैरागी आते हैं वहाँ पे। खासकर यह जो है आज गणेश चतुर्दशी है, इस दिन यह समाप्त होता है जिस दिन माताएं बहनें हमारी हमारे यहाँ की। और आपके यहाँ आज चतुर्दशी होती है नहीं होती है कमेंट करके बताइएगा। जिस दिन चतुर्दशी होती है, गणेश चतुर्दशी, उसी दिन यहाँ पर भंडारा का आयोजन होता है ना। खास करके जब ये भंडारा होता है तो बाल भंडारा होता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे इस नगर के, इस गांव के यहाँ पे आते हैं और बच्चों के साथ साथ उनके बड़े भी आते हैं। माताएं बहनें हमारी जो है उसमें व्रत रहती हैं तो क्या होता है, तिलवा गंजी, आप जानते हैं ना, तिल और गंजी, तिल गंजी दूध शाम को व्रत के दौरान जब चाँद दिख जाता है तब वो खाती हैं। तो चलिए आज मैं भी वहाँ पे चलने वाला हूँ। भंडारा का आयोजन किस तरह से होता है सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को बाल पे सेट कर दीजिए जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक गली है, इसे गली रास्ते जाना ही पड़ता है। बीच बीच में यहाँ पर पानी का जो है कनेक्शन हुआ था तो उसको अच्छे सड़क सब किए नहीं, तब भी चलना पड़ता है। आपको आवाज़ हल्की फुल्की आ रही होगी, श्री रामचरित मानस पाठ अभी हो ही रहा है मंदिर पर। हमेशा 10-11 बजे ख़त्म हो जाता था लेकिन इस बार अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत शानदार लगता है ये, आज दिन भी बहुत अच्छा है। रामचरित मानस का जो ये 100 महीने का पाठ होता है, यहाँ का संपुट हर श्री राम सुंदरकांड या श्री रामचरित मानस का जहाँ पाठ होता है अलग अलग संपुट होता है, लेकिन यहाँ का जो संपुट होता है सीताराम 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 सीताराम, तो ये होता है यहाँ का संपुट। अभी सुनाई दे रहा है, आप देखो उस पार मंदिर दिख नहीं रहा है। ये देखो यहाँ भी आग जलाया हुआ है और यह है कार्यालय। आता हूँ, बड़ा सुंदर लगता है ये जो पुल है, पुल बना हुआ है, पुल के उस पार दिखता है मंदिर, सामने है। अभी मंदिर उतना स्पष्ट नहीं दिख रहा है जितना स्पष्ट दिखना चाहिए। देखो आप देखना चाहो देखो, शायद मंदिर दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो है कोहरा ख़त्म हो जाता जिस दिन श्री रामचरित मानस का पाठ होता था, तो इस बार अभी कोहरा ख़त्म नहीं हुआ। देखो आप पीछे, मेरे पीछे कार्यालय है, जो कि पिछले की वीडियो में अगर देखेंगे आप तो मिलेगा आपको कि कार्यालय पीछे है और उस तरफ पूरा साफ दिखता है, लेकिन इस तरफ देखो पूरा एकदम धुंधला, एकदम कोहरा छाया हुआ है। पीछे हमारे जो है आप देख रहे हो, हमारे यहाँ मगर महोत्सव होता है। अब यहाँ से मंदिर स्पष्ट नज़र आ रहा है ना। सजावट भी अच्छे से हुआ है, मंदिर का जो ऊपर जो सिरा है उसका धुंधला दिख रहा है, लाइट भी अच्छे से लगी हुई है। और अभी रामायण ख़त्म होने में कुछ ही समय है। जगह जाएंगे जहाँ पर आज भंडारे का आयोजन होता है, यानी कि जहाँ पर बनता है उसको देखेंगे। काफ़ी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पे तैयारी हो रही है, भोजन बनेगा शाम को। अब चल रहे हैं सीधे मंदिर में, यहाँ पर सीधा प्रसाद दिया जा रहा है। ओ धीरे धीरे ख़त्म होने ही वाला है, पहुँच गए, बड़े भाग्य से पहुँच गए। सभी लोग प्रणाम ही कर रहे हैं, हम भी चलते हैं।
पाठ समाप्त। पहले रामायण का आरती हो जाने दो, तब फिर शुरुआत होगा, है ना। यहाँ पे सब्जी बनने की तैयारी हो रही है और सामने जो है हवन होगा। हवन देखिए किस तरह से, भवन कुल किस तरह से बना है। मंदिर के ऊपर बहुत शानदार नजारा आज दिखता है मंदिर का, है ना। जब मैंने वीडियो बनाया था भंडारे का, तो उसका दो तीन पार्ट मैं देने वाला था, लेकिन हुआ क्या, एक पार्ट मैंने दिया, उसके बाद क्या हुआ, चले गए हम इलाहाबाद नहाने। तो संगम पर जब चले गए नहाने, तो वहाँ से वापसी में जो मैंने वीडियो बनाई थी बहुत सारी, आते समय दारागंज स्टेशन पे मेरी मोबाइल चोर ने चुरा लिया, और यहाँ का दो तीन पार्ट मैं देने वाला था, नहीं दे पाया, लेकिन इस बार जरूर दूंगा। वीडियो बहुत लाजवाब होगी, है ना। प्यार सहयोग हमें उन्मुख करता है, प्रेरित करता है कि अच्छे अच्छे लाइव वीडियो आपको दिखाएं। बहुत ही शानदार लगता है, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत उपयोगी है। उम्मीद है कि आप लोग इस साल हमारा कम से कम 20K सब्सक्राइब जरूर पूरा करेंगे, करेंगे ना। श्री राम के भक्त हो, देखना चाहते हो, मैं भी श्री राम का भक्त हूँ, भगवान हनुमान जी का, तो हमारे 20K सब्सक्राइबर जरूर पूरा कर देना। क्यों पूरा करते हो ना, श्री राम के भक्तों तो पूरा जरूर करोगे, है ना। ये देखो हनुमान जी का नाम लिया तो यहाँ पे तो है ही। हाँ, पत्ता खा रहे, पीपल का पेड़ है ना, एक यहाँ एक वहाँ पे, अभी आ ही रहे हैं, एक दो हैं और एक यहाँ पे। ये देखो ठंड का समय है, लेकिन तब भी आराम से कर रहे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। एक भा एक यहाँ पे, हाँ कई बंदर हैं यहाँ पे, इस बार आ गए हैं, पर लाल वाले बंदर ज़्यादा दिखते हैं, एक काले वाले इस बार आ गए हैं, बहुत ज़्यादा बंदर हैं। बहरहाल डरता नहीं हूँ मैं इनसे, लेकिन डरना भी चाहिए, देखा तो नहीं हूँ, ये सब झापड़ से मारते हैं, मारते हैं तो फिर क्या होगा पता ही होगा। तो चलिए चलते हैं नीचे, इसमें कुर्ता पहन लीजिए, कुर्ता 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 पहले पहनिए, फिर सदरी पहनिए महाराज जी। अरे महाराज शांत शांत रहो, पहले कुर्तवा खोजो, तो कुर्तवा है कहाँ, ये तो सदरी हो गया, पैसा डाल दीजिए। अरे आज भंडारा है तो सोरबत्तीसाना नहीं डालना चाहिए उसमें, अधिक से अधिक नाम नहीं लेना चाहिए सोरबत्तीसाना। सोरबत्तीसाना जो कहता है वो सोरबत्तीसाना में रह जाता है। लाख करोड़ का नाम लो कि उसमें रहे, पीला कलर का निकालो काम करो, का बंद करो तब नहीं है, चलिए यहाँ नहीं है। इसी में देखो, इसी में लिंक, इसमें भगवान जी कपड़ा है भाई, इसमें उसको नहीं है, इसमें नहीं है ये वाला। अब इसमें मिलेगा कुर्ता, बढ़िया गुड, पकड़े हाँ, इसमें लग रहा है कि बगल में कपड़ा है आपका कहीं। कौन सा कलर पहन, अरे सफ़ेद हो या पीला हो, कुछ भी हो, कुर्ता हो, गुलाबी कुर्ता तो होता नहीं, लोग बना दिए हैं। नहीं मिला क्या, ए महाराज कुर्तवे नहीं लग रहा है। अरे हम बोल क्या दिए, हम तो सोच रहे हैं अभी, बोले भी नहीं। निकला सफेद, अरे नहीं ये कोई पहना, सफेद 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 है, ठीक है हाँ। निकालो हाँ, अरे ये दोनों जमेगा, ये कुर्ता, ये सदरी, ये कुर्ता, हाँ जमेगा जी, ले रखिए उसको गिनते हुए चलिए, हाँ पहनते हुए चलिए, ऐसे तैयारी होती चल के इसमें प्रेजेंट टाइम में कार्यभार यही संभाल रहे हैं। सीताराम, हाँ
अखंड रामायण, हाँ अखंड रामायण, अखंड रामायण संपन्न हुआ है। जितने लोग के पास ये वीडियो पहुंच रहा है, आज शाम को सभी लोग आमंत्रण है, सभी लोग आए ठाकुर जी का प्रसाद पाएं। 6 महीने का रामचरितमानस पाठ जो खत्म संपन्न हुआ जी, तो देखा अपने गुरु दोस्तों की बाबा जी भी साफा पहन रहे हैं। तब तक हम चलते हैं बाहर और वहाँ क्या तैयारी उसको देखते हैं। पकड़ लेगा एक यहाँ पे है एक वहाँ पे है ना। हाँ ये सब तारी नीचे आटा है, सब्जी बन रही है, सब ले लेगा। ये रहा हवन, तैयारियाँ अभी यहाँ पे हो रही हैं ना। चलते हैं, मैं भी लोग जब ये सार्वजनिक भंडारा होता है बाल भंडारा, तो अपने अपने घर से सभी लोग कुछ न कुछ दान मंदिर में देते हैं, जैसा कि मैं भी ले जा रहा हूँ। हाँ देना चाहिए ना, क्योंकि सब लोग खाएंगे तो देना तो जरूर चाहिए। कैसे होगा मंदिर में कुछ दान दक्षिणा जरूर देना। आप भी बताइएगा कि आपके यहाँ कुछ मंदिर होगा तो वहाँ पे आप क्या दान दक्षिणा देते हैं। हमें हमारा बर्तन वापस मिल गया। आओ तुम्हें हाथ डुलाओ बटे हुए पीछे वहाँ से सुनाइए ना दे तो जय श्री राम बोलते बटा तेज से बोला गया जय श्री राम। अब ये ना आवाज जय श्री राम बोलो जय श्री राम ऐसे बोलो महादेव। अरे वहाँ भी चलो चलिए वहाँ का ना कितना गजब का खाल मारे हैं सोच लीजिए। खादिया तो लगा है लेकिन ये प्रोग्रेस मतलब बढ़ने का नहीं हो रहा है भाई यार। प्रकाश संश्लेषण से पौधा बढ़ता है। अरे पता है प्रकाश संश्लेषण से बढ़ता है पौधा, लेकिन कहाँ कहाँ देखिए ये बिना प्रकाश संश्लेषण कितना बड़ा हो गया। जो वहाँ पे छोटा छोटा है वहाँ पे सूर्य का प्रकाश मिलेगा हाँ। ये हमारी जो गेहूँ की फसल है सब जो है ऊपर आएंगे। यहाँ देखिए कुछ जमा ही नहीं, देखिए पूरा खाली है। वहाँ नहीं है, वहाँ बीज नहीं पड़ा होगा हैं। वहाँ बीज नहीं पड़ा होगा इसलिए जमा नहीं है। और खदिया कितना बढ़िया खाद में बराबर से आपका खेत है दोस्तों। आप बताओ बराबर खेत है ना हमारा कि नहीं है? हमको तो लग रहा है कहाँ कहीं खाली है। जो खाद हमने मारा किनारे किनारे देखिए कितना बढ़िया है हैं। यहाँ तक मेरा हाथ गया है वो तुम लंसाई कर चुकी है। देखिए वहाँ पे हाउ जो वहाँ हम जिसे आप कहे थे कि हाइसे ही से मारिए एक बार हाइसे लंबा लंबा मारिए बढ़िया से तब जाके हो जाएगा। मोबाइल से ही बतिया रहे देखिए कम उगा है और बच्चा गिरिए मत भाई ठीक ना। यही मैं कह रहा कि कहीं इतना है छोटा छोटा है ये सब, ये पानी लगा हुआ है यहाँ खाद नहीं मिला मुझे लगता है। देखिए यहाँ भी और यहाँ भी है ना, यहाँ भी इस समय के खाद में अंतर है। इससे बढ़िया त्यौहार बात मौका तो इससे बढ़िया तुम्हारा बटला ही बा। ये देखिए ये जो वाला खेत ये हमसे 4 दिन बाद बोया गया, ये बढ़िया है। सरसों आ गया लेकिन मेरा पता नहीं क्या है। इधर इधर काटते जाते हैं, इधर से ये बढ़ते जाता है। भंडारे में भोजन जो है बच्चों के द्वारा तैयार होता है। आए देखिए कैसे बनता है, क्या क्या बना है। हम समझे दाल है तो सब्जी है। इतने पीले पीले लड़के पूरी बना रहे हैं, सही बात है। बच्चों का नाम थोड़े लिखा है क्यों जी, टिक्की। तो यहाँ पर बच्चों के द्वारा पूरी बन रही है, सब्जी बन गया, तैयार हो गया है। बस सामने बफर सिस्टम, इस बार लगभग 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा कि इस बार प्रसाद जो है बफर सिस्टम के द्वारा दिया जाएगा जो तैयार हो गया। शाम को तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, शाम हो गई है। अब बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे भंडारा का आयोजन जो हुआ है।
दोस्तों ये सब देख करके यह मन कितना हर्षित हो रहा है। यहाँ के महंत बाबा श्री सीताराम दास जी के द्वारा यह पुनीत कार्य प्रत्येक वर्ष होता है। जिस तरह से लोगों के यहाँ शादी विवाह होती है और घर को सजाया जाता है, उस तरह से यहाँ पर मंदिर को सजाया गया है। खींच ले पूरी, देखिए पूरी तस्मई और पता नहीं वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या खींच रहे हैं दोस्तों। कल पूरी सब्जी है इसमें, इतना बंदा सब खा चुके तो हम लास्ट में खा रहे हैं। हाँ अभी देखिए झूठ बोल रहे, इतने लोग है कह रहे लास्ट में खा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप सभी लोग झूठा किस्म, झूठा नंबर वन। चंदन सोनी यार कभी झूठ नहीं बोलते हैं। देखिए अभी हम खाना खा के आ रहे हैं, अभी भी कुछ लोग खा ही रहे हैं। क्या खा रहे हैं भैया? प्रसाद। प्रसाद में क्या खा रहे हैं? पूरी सब्जी। पूरी सब्जी खा रहा आजाद। प्रसाद हमने ले लिया पूरी सब्जी, जैसा कि दिखाया बबलू भैया ने, लास्ट में खा चुके हैं पूरा। देखिए पूरा एकदम से पूरा खाली है, एकदम सब खाली। बड़ा आनंद आया आज का ये 100 महीने का रामायण रामचरित मानस पाठ समाप्त होने के उपरांत भंडारा प्रसाद पाया, बहुत अच्छा लगा। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके आसपास जो मंदिर होती हैं वहाँ पर अगर भंडारा होता है तो प्रसाद क्या मिलता है, वहाँ पे आपका क्या सहयोग होता है। वैसे यहाँ के जो ग्रामीण के लोग हैं, इस नगरवासी, यहाँ पर भंडारा जब होता है तो अपनी स्वेच्छा से जो भी होता है, चावल दाल पैसा सब कुछ दान देते हैं। यह बाल भंडारा महाभंडारा होता है। अरे हमें उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी चैनल तो पहली बार चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को आप में सेट कर दीजिए, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सब बखेर।